अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 की डेफिनेशंस। चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 में, इसका जो चैप्टर नंबर 7 का नाम है वो है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। मैंने आपसे पहले भी काफ़ी बार कहा है कि सबसे पहले जब हम डेफिनेशन किसी भी चैप्टर की करें तो सबसे पहले उसके नाम से रिलेटेड डेफिनेशन करते हैं। अब यहाँ पे रिलेटेड डेफिनेशन में हमारे पास कौन से डेफिनेशन आ रही है? इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन। अब इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? सिंपली हमारे पास इक्वेशन, जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनके सम को हम कहते हैं इक्वेशन। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी गई है, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट सेज द टू गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर, अगर इसने एग्जाम्पल दी हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, यहाँ पे अगर मेरे पास आ रहा हो 6x² + 8x + 3, तो ये मेरे पास सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक इक्वेशन नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सम तो है हमारे पास वेरिएबल का और कांस्टेंट का, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन हमारे पास ये तब होगी जब यहाँ पे प्लस की जगह इज इक्वल आएगा। तो सिंपली आपने ये बात याद रखनी है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वेशन तब बनती है जब हमारे पास दरमियान में इज इक्वल आ जाए, और इक्वेशन जो है हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन तब बनती है जब कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास इज इक्वल के साथ आ जाए और उसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए। तो ये थी हमारे पास इक्वेशन की डेफिनेशन। आगे है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? A linear equation in one of one unknown variable x is an equation of the form ax plus b is equal to 0 and a is not is equal to 0. यानी कि एक ऐसी equation, अब देखिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, जिस तरह कि मैंने x plus 2 is equal to 3 यही लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इसे लिखते हैं। क्या है हमारे पास? x plus 2 is equal to 3। यहाँ पर अब हमारे पास x जो है वो एक unknown value है, हमने उसे फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस टू इस साइड पे इज इक्वल के इस साइड पे प्लस टू था, इज इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस टू हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन का आंसर आ गया है। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास x जो है x की जगह पे कोई और वेरिएबल भी लग जाए, वो हमारे पास अनडिफाइंड हो, यानी कि उसकी हमारे पास वैल्यू नहीं दी गई है और हमने बाकी वैल्यू से उसे फाइंड करना है, तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, जो है वो लीनियर इक्वेशन। अब देखते हैं, सपोज करते हैं हम, उसने हमें कहा है कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हो, जो मैंने आपको इस तरह बता दी है, लेकिन उसने कहा ax साथ हो प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, उसने हमें क्या कहा है, x प्लस बी, x ले लिया प्लस b था, b की जगह पे अब मैं कोई भी वैल्यू लगा देती हूँ, 3 लगा ली मैंने, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 भी अब मैंने ऐसे लिख ली है, लेकिन x के साथ भी उसने एक वैल्यू दी हुई है, x के साथ वाली वैल्यू यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2। अगर मैं x के साथ वाली वैल्यू 0 ले लूंगी तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो भी 0 हो जाएगा, तो हमने वेरिएबल को 0 नहीं करना है, इसीलिए हमने क्या करना है कि 2x + 3 जो है हमने x के साथ 0 को नहीं लिखना है, हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू और लिख लेनी है। अब मैं यहाँ पे 0 नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे अगर मैंने 2 लिखा है तो ये हमारे पास किस तरह सॉल्व होगा, आगे 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे पहले हम प्लस 3 को सॉल्व करते हैं, 2x एज इट इज़ आएगा, 3 साइड पे प्लस का, इज इक्वल के उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 जो है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल के उस साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0, x की वैल्यू के साथ जो वेरिएबल है, जो कांस्टेंट है, वो हमारे पास अगर 2 होता तो अगर हमारे पास 0 होता तो हमारे पास इसका आंसर नहीं निकलना था, तो इसलिए वो हमें डेफिनेशन में कहता है अ लीनियर इक्वेशन इन वन अननोन वेरिएबल x इज एन इक्वेशन। यानी कि ऐसे इक्वेशन जिसमें हमारे पास x एक अननोन वेरिएबल हो, इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, हमारे पास फॉर्म जो है एक इक्वेशन के फॉर्म में हो और इज इक्वल टू 0 हो, एंड ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, और जो उसमें ए हो, जो एक्स के साथ वाला कॉन्स्टेंट हो, वो हमारे पास 0 ना हो, ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इसके बाद थर्ड पे वो हमें कहते हैं एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। एक एक्सट्रेनियस सोल्यूशन क्या है हमारे पास? अ सोल्यूशन दैट डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस सोल्यूशन।
यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन जो हमारे पास सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा उसकी ओरिजिनल इक्वेशन को, वो हमारे पास क्या होगा, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा। अब मैं आपको उसके मज़ीद ब्रीफली बताती हूँ। मैंने एक यहाँ पे इक्वेशन ले ली, यहाँ पे अब मैंने सपोज किया है कि जो एक्स है हमारे पास इस इक्वेशन में, एक्स हमारे पास क्या है, सेवन के इक्वल है। मैंने यहाँ पे एक्स की जगह पे लिखा सेवन प्लस वन इज इक्वल टू अंडर रूट सेवन, इधर भी एक्स था इसकी जगह पे भी लिख दिया सेवन प्लस 15। अब सेवन सेवन का हमारे पास होता है 49, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सेवन प्लस वन इज इक्वल टू, सेवन प्लस वन एट के इज इक्वल होता है, ये हो गया 49 प्लस 15। 49 प्लस 15 जो है वो हमारे पास 64 के इज इक्वल होता है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्स यहाँ पे सेवन के इज इक्वल था, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि एट इज इक्वल टू 64। अब अगर 64 का मैं अंडर रूट लूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एट इज इक्वल टू एट। ये दो वैल्यूज हैं एक दूसरे के इज इक्वल आ गई हैं, दोनों साइड एक दूसरे के इज इक्वल आ गई हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास हम सपोज करें किसी भी वैल्यू को, और उसका जैसे मैंने सेवन को सपोज किया है, तो इसकी वजह से हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। तो ऐसी वैल्यू जिसे हम उसे पुट करें और हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ऐसी वैल्यू को हम एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। देखिए गौर से, सॉल्यूशन दैट डज नॉट सेटिस्फाई, जो हमारे पास सेटिस्फाई ना हो सके। अगर मैं यहाँ पे सेवन की जगह पे एट लिख देती तो यहाँ पे आ जाना था एट, यहाँ पे आ जाना था नाइन, और सेम इसी तरह यहाँ पे भी एट आ जाना था, और सेवन एट जो कुछ और वैल्यू आ जानी थी, यहाँ पे क्या आना था सेवन एट जा 56। तो यहाँ पे हमारे पास अब वैल्यूज आगे एडिशन में हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास एक दूसरे के बराबर नहीं आना था। तो ऐसी वैल्यू जिसपे हमारे पास इक्वेशन जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आ रही हो, यहाँ पे नॉट इज इक्वल हो, वो हमारे पास होती है एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। अगर दो इक्वेशन एक दूसरे के इज इक्वल आ जाएंगी तो वो हमारे पास एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन नहीं होंगी, और अगर वो इज इक्वल नहीं आएंगी तो वो हमारे पास एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होंगी। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस की यहाँ पे चार टाइप्स मैंने लिए हैं। उन फोर टाइप्स में सबसे पहले टाइप है हमारे पास आइडेंटिटी इक्वेशन। आइडेंटिटी इक्वेशन ऐसे इक्वेशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास बोथ साइड पे वैल्यू सेम दी गई हों, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से दी गई हों, आगे पीछे करके दी गई हों। यानी कि यहाँ पे इसकी एग्जांपल है x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लूँ कि मैंने x की वैल्यू को कंसिडर किया, यहाँ पे मैंने x को सपोज किया माइनस वन के। अब अगर मैं इसमें इसे अप्लाई करूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ हमारे पास है इक्वेशन, देखिए मैंने x को इज इक्वल किया माइनस वन के, ये मैंने लेट किया है। अब x प्लस थ्री की जगह पे यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने माइनस वन लगाना है, तो यहाँ पे मैं देखती हूँ x प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री प्लस x, एक्स की जगह पे लगा दिया माइनस वन प्लस थ्री एज इट इज, थ्री वैसे ही आया प्लस माइनस वन एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा टू इज इक्वल टू टू माइनस वन थ्री माइनस वन टू इज इक्वल टू टू। ये देखिए, अब सेम मैंने वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दी है, यहाँ पे तो सिंपल आंसर आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा थ्री प्लस माइनस माइनस वन, थ्री में से वन गए टू, यानी कि हमारे पास आंसर उसका सेम ही आएगा, दोनों साइड पे आंसर हमारे पास सेम ही आएगा, और वैल्यूज़ भी हमारे पास, क्वेश्चन भी हमारे पास सेम दिया गया हो। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास आंसर सेम आ जाए और इक्वेशन भी हमारे पास ऑलमोस्ट सेम हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी इक्वेशन। सेकेंड भी हमारे पास है कंडीशनल इक्वेशन। अब कंडीशनल से हमें समझ आ रहा है कि इसमें कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है हमारे पास कि हमें एक इक्वेशन दी है और कहा है कि इसमें से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी वेरिएबल यहाँ पे दिया गया होगा हमने उसको क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, हमारे पास थी एग्जांपल एक्स प्लस वन इज इक्वल टू नाइन। अब उसने हमें कंडीशन दी है कि हमने किसे फाइंड करना है, यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास एक्स है, इसका मतलब है हमने एक्स को फाइंड करना है। एक्स को फाइंड करने के लिए टू एक्स पहले इसी तरह आएगा नाइन, ये प्लस वन यहाँ पे इज इक्वल किस साइड पे, प्लस के इज इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू नाइन माइनस वन एट। अब ये टू एक्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये आ जाएगा टू वन जा टू टू फोर जा एट, तो एक्स किसके इज इक्वल आ जाएगा एट के। इसमें हमने इसकी कंडीशन जो है वो पूरी कर दी है।
ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास दोनों साइड पे जो वैल्यूज हैं वो सेम दी गई हैं और उनका आंसर एक दूसरे के इज इक्वल आए, जिनका आंसर एक दूसरे के इज इक्वल आ जाएगा, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। और ऐसी इक्वेशन जिसमें उसने हमें कंडीशन दी गई हो कि हमने एक कोई भी वेरिएबल दिया गया है हमने उसे फाइंड करना है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन। ये दो डेफिनेशन थी। थर्ड थी हमारे पास इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अब इनकंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होती है, उसने हमें एक एग्जाम्पल दी गई है x इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। अब यहाँ पे ये सेट जो है हमारे पास ये एक एम्प्टी सेट है क्योंकि इसका आगे कोई सोल्यूशन है ही नहीं है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे देखिए ये हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, मैं अब यहाँ पे कुछ भी कंसिडर कर लूँ कि हमारे पास x किसके इज इक्वल है फाइव के। अगर मैं x को फाइव के इज इक्वल भी ले रही हूँ तो x की जगह पे मैंने अप्लाई किया फाइव इज इक्वल टू, इधर भी x की जगह पे फाइव प्लस फाइव, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइव इज इक्वल टू फाइव प्लस फाइव टेन। अब या तो ये इधर आ जाएगा या ये इधर आ जाएगा, कुछ भी हो जाए लेकिन आंसर हमारे पास नहीं आएगा, हम x की वैल्यू फाइंड कर ही नहीं सकते हैं, आगे हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा क्योंकि हमारे पास x तो पहले ही खत्म हो गया है। अब हमारे पास क्या होगा, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ एम्प्टी सेट बिकॉज नो वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइड इट, यानी कि x की कोई भी वैल्यू इसे सेटिस्फाई नहीं कर सकती। अगर मैं यहाँ पे 4 रख लूंगी तो 4 इधर भी आ जाएगा, दोनों साइड पे 4 आ जाएगा, तो इस साइड पे 5 आएगा, इधर 9 आ जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करती हूँ कि x मैंने 4 लिया है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और इधर 9 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू में x की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, दोनों साइड पे सेम आंसर नहीं आ सकता है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास दोनों साइड पे आंसर सेम नहीं आ रहा हो उसे हम क्या कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। फोर्थ पे है हमारे पास रैशनल इक्वेशन। रैशनल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास अंडर रूट में इक्वेशन दी गई हो। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये अंडर रूट में आ रही है। यहाँ पे इस एग्जांपल को करते हैं, ये देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2x माइनस 3 एज इट इज, ये साइड पे माइनस का इज इक्वल के उधर जाके प्लस का। अब इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, आगे हम सॉल्व करेंगे दोनों साइड पे हम क्या लेंगे स्क्वायर 2x माइनस 3, इधर भी स्क्वायर लिया इधर भी स्क्वायर लिया, ये इससे कटिंग हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 49। अब यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 49, इस साइड पे माइनस का इज इक्वल के उधर जाके प्लस का। आगे क्या हो जाएगा, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वैल्यू ऑफ x, ठीक है। आगे हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू 49 प्लस 3 हमारे पास आ जाता है 52। अब यहाँ पे x के साथ 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास कटिंग होके क्या आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 26। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास अंडर रूट आ रहा हो, इस तरह की इक्वेशन को रेडिकल कोई भी आ रहा हो और रेडिकल साइन हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं रैशनल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये हमारी आज की एक्सरसाइज थी। अब आप डेफिनेशन यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे मैं प्रॉपर लिख देती हूँ वैल्यू ऑफ x। तो चैप्टर नंबर 7 की इतनी डेफिनेशंस थी, उम्मीद है आपको इन डेफिनेशंस के समझ आई होगी। और अगर आपको डेफिनेशंस के समझ नहीं आई है, कहीं से भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।